प्यारे साथियों नमस्कार। दोस्तों अग्निवीर जब से 2022 से अग्निवीर योजना लागू हुई है तब से इस पर बहुत ज़्यादा सवाल खड़े किए जा रहे हैं। देखिए मंत्री लोग कुछ भी पास कर देते हैं लेकिन ग्राउंड के अंदर तो सैनिक को ही लड़ना पड़ता है, सैनिक को ही बॉर्डर पर रहना पड़ता है। क्या क्या परेशानियाँ आती हैं सैनिक जीवन में ये एक सैनिक ही जान सकता है, दूसरा कोई नहीं। क्योंकि किसी भी चीज़ को जानने के लिए उसको करना ज़रूरी पड़ता है। अब ये अग्निवीर योजना बना दी 4 साल के लिए, इसके अंदर कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जो नए अग्निवीर यूनिटों में आए हैं उनसे न तो कोई काम करवाया जा सकता है, उनके लिए बहुत से हिदायतें दी गई, न तो उनको कोर्स पे भेज सकते हैं, न उनसे कमांडो कोर्स में भेज सकते हैं 4 साल से पहले, न उनको किसी भी पोस्ट पे अकेला छोड़ सकते हैं, उनके साथ एक परमानेंट रेगुलर आर्मी वाला बंदा ज़रूर चाहिए। तो ये कैसी सेना बना दी है? अभी इजराइल और हमास का जो युद्ध हुआ है उसको देख के अपने आर्मी के लेफ्टिनेंट जनरल PR शंकर साहब ने, जो कि रक्षा विशेषज्ञ हैं, उन्होंने कहा है कि ये अग्निवीर योजना जो 4 साल की है ये बिल्कुल भी नहीं चलेगी, ये बहुत ही खतरनाक है, अगर करना है तो कम से कम इसको 8 साल के लिए कर दीजिए। इजराइल ने और हमास ने भी अपना ऐसे ही कर रखा था, यूक्रेन ने भी ऐसे ही कर रखा था, अपने सभी नागरिकों को 3-3, 4-4 साल की ट्रेनिंग देके और उनको आर्मी से निकाल दिया था और दूसरे सैनिकों को भर्ती करते थे। लेकिन अब वो जो एक रेगुलर सैनिक है उसका वो मुकाबला नहीं कर पाए। देखिए जो बंदा 20 साल 22 साल 28 साल 17 साल 15 साल 10 साल नौकरी करता है उसको बहुत ज़्यादा अनुभव होता है, और 4 साल के अंदर एक सैनिक क्या सीखेगा। इसी की तर्ज पे अभी बहुत सवाल उठाए जा रहे हैं इस अग्निवीर योजना पे। आर्मी के जो ऑफिसर्स थे उन्होंने तो पहले से ही मना कर दिया था कि ये योजना बिल्कुल भी कामयाब नहीं हो सकती, बहुत खतरनाक है देश की सुरक्षा के लिए। लेकिन अब इसके ऊपर फिर सवाल उठाए जा रहे हैं, अपने आर्मी के लेफ्टिनेंट जनरल साहब जो हैं PR शंकर रक्षा विशेषज्ञ हैं, उन्होंने ये आह्वान किया है कि जो 3 मांगें रखी गई थी, एक तो अग्निवीरों को 50% कर दिया जाए, एक इनकी भर्ती जल्दी की जाए, एक इनकी एज लिमिट 23 साल कर दी जाए, उन सबको साइड में रख के पहले तो इन सैनिकों को कम से कम 8 साल के लिए रेगुलर करना चाहिए, तभी हमारे देश की सुरक्षा ठीक है, नहीं तो हमारे देश को भी बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। पहले जो युद्ध होते थे उनके कुछ नियम होते थे, महिलाएं पहले भी होती थी आर्मी के अंदर, वो भी लड़ाइयों में जाती, लेकिन उसके कुछ नियम होते थे। लेकिन आजकल कोई भी नियम नहीं है लड़ाई का, जिसका भी मौका लगता है, जिसको भी कहीं टारगेट दिखाई देता है वो वहीं पर ठोक देता है। अब आप देख रहे हो यूक्रेन के अंदर क्या हाल हो रखा है, अभी हमास के अंदर, इजराइल के अंदर सब कुछ तहस नहस हो रखा है। ये सब वहाँ की रणनीति का ही कारण है, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि 2-3 साल की ट्रेनिंग देके और हमारे सभी जो नागरिक है वो सैनिक बन जाएंगे। ऐसा नहीं होता, ग्राउंड के अंदर और संसद में बैठ के काम करने में बहुत ज़्यादा फर्क होता है, यही हमारे रक्षा विशेषज्ञ लेफ्टिनेंट जनरल PR शंकर साहब का कहना है कि अग्निवीर योजना को आप या तो बिल्कुल ही ख़त्म कर दीजिए, अगर आप ख़त्म नहीं कर सकते तो इसको इन सैनिकों को कम से कम 8 साल के लिए तो आर्मी के अंदर रहने दीजिए। तो दोस्तों आप लोग क्या सवाल है, क्या ख्याल है, क्या आपके कहने हैं, प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके ज़रूर बताइए।